हरे कृष्णा। सो आज हम देखने वाले हैं दिल की बातें सीधे उनके दिल से। हमारे सामने है चार ऑब्जेक्ट, देखते हैं रीडिंग कैसे आती है। लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद दिस वन। ठीक है, तो चलो ओरेकल देखते हैं एंड देखते हैं कि भाई रीडिंग कैसे आती है। तो चलो कुछ कार्ड्स लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट, ओके, सेकेंड, थर्ड, ओके, फोर्थ। तो चलो चार कार्ड आ चुके हैं, देखते हैं रीडिंग क्या आती है। ओके, फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आ चुका है एनहांसमेंट, टॉरस, एरीज, लियो, कैप्रिकॉर्न। ओके, देखो एनहांसमेंट यहाँ पे इसलिए आ चुके हैं कि ये पर्सन जो है वो अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव करना चाहते हैं। ठीक है, आई थिंक दे वांट टू डू समथिंग एंड शायद कुछ सेलिब्रेट करना चाहते हैं या फिर किसी चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं। यू नो, अभी कैसे हो रहा है कि जो हालात है उससे कुछ लोग डिप्रेस्ड हो रहे हैं। यू नो, देखो बार बार वही वेब सीरीज देखना, वही टीवी देखना, एंड आजकल तो सबके पास इंटरनेट है तो सीरीज़ देखते रहते हैं, फिर नेटफ्लिक्स हो, प्राइम हो, यू नो, घर में रहना, बाहर नहीं जाना, लॉकडाउन फिर भी यू नो अभी कई जगह पे हो रहा है, चीज़ें नहीं मिल रही है, तो ऐसी कई सारी बातें इसके कारण डिप्रेसिंग लग सकता है। आई मीन जस्ट इमेजिन कि जब आप न्यूज़ पढ़ते हो भाई ये नहीं हो रहा है, बेड नहीं मिल रहे हैं, तो दिमाग सोचता है कि अगर मेरे साथ ऐसा हुआ तो क्या हो सकता है। यू नो, तो उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए जो एक फंडा है वो ये कि भाई आप अपने आप को बदलो। ठीक है, तो ये शायद अपनी सोच बदल रहे हैं, दे वांट टू डू समथिंग क्रिएटिव इन देयर माइंड, इन देयर हार्ट। ठीक है, अगर वो चाहे घर से काम कर रहे हैं, फिर कुछ चीज़ें हैं तो वो चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी बदल जाए। ठीक है, तो उसके लिए वो शायद कुछ छोटा मोटा सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, या तो अपने दोस्तों के साथ बातें करना चाहते हैं, या फिर आपको भी कह सकते हैं कि लेट्स सेलिब्रेट टुगेदर। ठीक है, फिर चाहे वर्चुअल पार्टी हो जहाँ पर सब लोग आ रहे हैं, जूम कॉल हो रहा है, या फिर आप दोनों एक दूसरे को ईमेल लिख रहे हो, या फिर व्हाट्सअप ग्रुप अपने ज्वाइन किया है एंड यू आर सेलिब्रेटिंग समथिंग। यू नो, शायद अपने तरीके से कोई फोटो भेज सकते हैं, लाइक, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं ताकि इसकी ज़िंदगी काफ़ी बेहतरीन हो जाए पहले की तुलना में। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ रहा है वो है डिवाइन ड्रीम ट्विन फ्लेम के। सो ये पर्सन ट्विन फ्लेम के कनेक्शन में हो सकता है या फिर ट्विन फ्लेम के सर्च में हो सकता है। ओके, देखो कई बार हमें ऐसा लगता है कि भाई ऐसी कोई चीज़ हमें मिलनी चाहिए, फिर ऐसा कोई हिंट ताकि हमें लगे कि हम सही ट्रैक पे हैं। है ना, क्या होगा कि मान लीजिए आपको एक ट्रैक दिया और आप उसके छोड़ के दूसरे ट्रैक पर चले गए, तो है ना, तो ज़िंदगी में फेर बदल हो सकते हैं। डिवाइन ड्रीम ट्विन फ्लेम में हमें ये समझ में आ रहा है कि भाई ट्विन फ्लेम जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी रोमांटिक होती है, पैशनेट होती है, लेकिन काफ़ी टेंडर होती है, बहुत नाजुक, कांच जैसी। यू नो, आपका बताया गया एक शब्द भी किसी का दिल तोड़ सकता है। तो ये पर्सन मेरे हिसाब से अभी तक अपने ट्विन फ्लेम से नहीं मिला है, लेकिन मिलना चाहता है। अगर उसे लगता है कि भाई हाँ मेरे लिए कोई ट्विन फ्लेम हो सकता है तो शायद वो मेरे सामने जल्द ही आ जाए, ऐसे दुआ कर रहा है। नेक्स्ट कार्ड है डिस्कशन हाउस। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे फ्रेंडली डिस्कशन हो रहा है, या फिर ये अपना घर बदलना चाहते हैं, या फिर इनका जो ऑफिस है वो घर से ही शुरू हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इनका जो घर का माहौल है वो बदल गया है। यू नो, शायद जहाँ पे घर में सिर्फ दो लोग ही आते थे, आजकल 10-12 लोगों के दो लोगों से मिलने आते, या फिर काफ़ी सारे फ़ोन कॉल चालू होते हैं, तो कहीं ना कहीं घर को एक अलग ही मुकाम मिला है। अगर हम इनकी तरफ देखते तो अपनी ज़िंदगी में बदलाव चाहते हैं। ठीक है, बोरियत से ढह गए वो। ठीक है, ना तो कहीं बाहर जा सकते हैं वगैरह वगैरह, तो कहीं ना कहीं आपसे डिस्कशन कर जाते हैं, शायद कोई छोटी मोटी वर्चुअल पार्टी ही इमेजिन कर लें। ओके, एंड जो फोर्थ कार्ड है वही यूनियन, ये बात इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप दोनों साथ में रहते हैं तो उससे अच्छी क्या बात हो सकती है। कहीं ना कहीं यूनियन यहाँ पे बताता है कि अगर आप दोनों अलग अलग शहर में रह रहे हो, अलग अलग जगह पे रह रहे हो, आपकी अपनी अपनी चीज़ें हैं, यू नो, कि आप अलग फील्ड में हैं, वो अलग फील्ड में हैं, तो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि आप दोनों का यूनियन हो जाए। ठीक है, शायद आप दोनों में कुछ तकलीफें थी, या फिर यू नो आप दोनों ही उससे मिलना चाहते हैं लेकिन मिल नहीं पा रहे हैं। यू नो, आपकी फैमिली प्रेशर हो सकती है, या फिर आपका जुनून हो सकता है कि भाई मुझे मेरे करियर में कुछ कर दिखाना है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। चाहते तो हैं आप कि दोनों साथ में आ जाए, दोनों साथ में इकट्ठा काम करें, या फिर अपना घर बनाए, लेकिन कहीं ना कहीं वो बातें हो नहीं रही हैं एंड ये यहाँ पर ज़्यादा दिख रहा है। तो यूनियन यहाँ पे बन सकती है, तो आपके लिए काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है, मे बी अनएक्सपेक्टेडली वो आपको कॉल कर सकते हैं, या फिर आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि भाई अभी आपके सिवाय वो नहीं रह सकते।
ठीक है, तो चाहे आप दोनों के बीच छोटा मोटा झगड़ा हुआ हो या फिर बातें नहीं करें, तो वो कहीं ना कहीं पर सुलह सकती है। पर्सन वापस से आपके साथ आना चाहता है, आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, आपसे कहना चाहता है कि भाई यू आर अ प्रीशियस पार्ट ऑफ माई लाइफ, आप उनके ज़िंदगी के बहुत ही बेहतरीन हिस्सा हो जिसको वो बिल्कुल भी गंवाना नहीं चाहते। तो यूनियन की अगर आप वेट कर रहे हैं तो ये यूनियन काफ़ी जल्दी आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं टैरो से हमें क्या मिलता है। चलो कुछ कार्ड निकालते हैं, अगर चार कार्ड मिले तो काफ़ी अच्छी बात है, लगे तो हम और भी कार्ड ले सकते हैं। ठीक है, तो आगे चार कार्ड देखते हैं रीडिंग क्या आती है। वन बाय वन वी लुक एट द कार्ड्स। ठीक है, पहला जो कार्ड है वो है थ्री ऑफ वांड्स। ओके, थ्री ऑफ वांड्स यहाँ पे आ रहा है, मुझे लग रहा है ये पर्सन होप लेकर बैठा हुआ है। ठीक है, इसके आँखों में कल का भविष्य है, सुनहरा भविष्य है। ठीक है, या तो उसने कहीं जगह पे इन्वेस्ट किए हैं पैसे या फिर ये अपना भविष्य जाने की कोशिश कर रहा है। देखो एवरीबडी इज़ वरिंग, यू नो आज का आज के हालात कैसे हैं, अभी तो सेकेंड वेव थर्ड वेव अभी आनी बाकी हैं, तो क्या हालात होगा एंड वगैरह वगैरह, लेकिन कभी ना कभी तो ज़िंदगी में ये सेटल हो पाएंगे, तो कैसे होंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं ये आपका साथ मांग रहे हैं या फिर आपके साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। देखो कुछ लोग जो होते हैं वो तभी यू नो सुकून पाते हैं जब वो कहते हैं कि मैं सक्सेसफुल हूँ, मतलब जब वो करोड़पति बन जाते हैं या फिर बहुत सारा पैसा होता है उनके पास, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे लग रहा है कि वो आपका एक बहुत ही उज्जवल भविष्य देना चाहते हैं, ताकि आपको ये कभी ना फील हो कि भी मैं एक बहुत ही अनसर्टन रिलेशनशिप में हूँ, कि जहाँ पे कुछ भी हो सकता है ना। तो शायद ये आपके किसी फैमिली मेंबर के रिलेटेड हो सकता है या फिर आपसे रिलेटेड, वी आर टू मच वर्ड अबाउट दिस पर्सन, यानी आपको एक बहुत ही अच्छा सुनहरा भविष्य देना चाहता है, लेकिन इसके लिए आपको इनके ऊपर भरोसा करना पड़ेगा कि ये आपके लिए बहुत कुछ कर रहा है। देखो चीज़ें ऐसी नहीं होती कि विद इन अ सेकेंड चीज़ें टर्न आउट होगी, हाँ किसी के साथ में अगर वहाँ पे मिरेकल होते हैं तो चीज़ें ऐसी हो सकती हैं। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड वहाँ से कनेक्ट करता है। सेकंड जो कार्ड है वो है फाइव ऑफ कप्स। ओके, फाइव कप्स इसलिए यहाँ पे आ चुका है क्योंकि जो हालात है उनसे शायद इन्होंने समझौता किया है या फिर इसके अलावा उन्हें अभी फ़िलहाल के लिए कुछ नहीं सोचा है, है ना। अब इन्होंने शायद EMI पे कोई गाड़ी ली है या फिर ऐसी कोई बात है, अब उनकी सैलरी नहीं आ रही है, सैलरी कम हो गई है, कैसे EMI भरेंगे, या तो गाड़ी टो करके लेके जाएंगे ना एवरीथिंग, मतलब चीज़ें ऐसी हो रही है कि उनको समझ में नहीं आ रही कि मैं करूँ तो क्या करूँ। फाइव ऑफ कप्स वो अंदाज़ दिखाता है आपका जिससे आप डरते रहते हैं। ठीक है, देखो ये आपकी ज़िंदगी है एंड ज़रूरी नहीं कि आप जो चाहते हैं वही हो, है ना। जैसे कि पैसों के बारे में या बिज़नेस के बारे में, एनीथिंग कैन हैपन एनी मोमेंट, तो ये बात आप दोनों को ध्यान में रखनी है। देखो शायद इनकी कोई मजबूरी हो सकती है, कोई फाइनेंशियल ट्रबल हो सकता है जिसके बारे में शायद आपको पता ना हो एंड ये आपको बताना नहीं चाहिए। जैसे कि अभी तो हालात ऐसे है कि कोई अगर छींकता भी है तो उसके ऊपर यू नो लोग डाउटेडली देखते हैं कि कहीं इसको कोरोना तो नहीं हो गया है। तो ऐसे हालत में क्या हो आपको बताया कि उसकी तबीयत ख़राब नहीं है, ताकि आप इसके बारे में कुछ सोचें, तो आप खुद समझ सकते हैं। थर्ड जो कार्ड है यहाँ पे वो है सिक्स ऑफ व्हील्स। ओके, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये किसी की हेल्प ले रहे हैं एंड दिस कुड बी अ वेरी वाइज पर्सन। ठीक है, जो भी इसका हेल्प कर रहा है, इनकी हेल्प कर रहे हैं, वो काफ़ी अच्छी बात हो सकती है क्योंकि उनको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। देखो ये आपकी तरफ आना तो चाहते हैं लेकिन सक्सेसफुल बन के, अब उसमें या तो उनका कोई दोस्त उनका हेल्प कर रहा है या फिर कोई एक ऐसा पर्सन उन्होंने ढूंढा है जिन्होंने जो इनको हेल्प कर रहा है, शायद वो यू नो बहुत सारा एक्सपीरियंस पर्सन हो सकता है या फिर उसकी भी कुछ डिमांड हो जो शायद ये कंप्लीट कर रहे हैं। जो फोर्थ कार्ड है वो है थ्री ऑफ व्हील्स। ओके, यहाँ पे उनकी खुशियाँ हैं एंड उनके आदर्श हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से ये पर्सन मोरली बिल्कुल राइट है एंड आपकी तरफ ही आ रहे हैं, लेकिन कुछ बातें हैं जो वो आपको बता नहीं रहे हैं। देखो कई बार क्या होता है ना कि किसी चीज़ को एक्सप्रेस करने का एक टाइम होता है, जैसे कि आप किसी को सरप्राइज़ देना चाहते हैं, तो अगर आपने पहले ही कह दिया कि मैं तुम्हें शाम को केक ला के दूंगा तो क्या वो सरप्राइज़ रहा। तो आई थिंक ये आपको किसी ना किसी प्रकार का सरप्राइज़ देना चाहते हैं, इसके लिए वो शायद उनको समय लग रहा है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्या आता है एनिमल ओरेकल देखने। ठीक है, वन एंड टू। ठीक है, इसमें से सब तीन ही निकालेंगे हम। ठीक है, देखते हैं तीन कार्ड से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। डक, व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन देयर हार्ट इज़ लाइक बीइंग डक, आउट गोइंग, सोशल, फील मोस्ट एट ईज व्हेन दे आर इन अ लार्ज ग्रुप, अफेक्शनल। ठीक है, देखो जो सबसे यू नो ख़राब बात उनके साथ हो रही है कि उनका जो सोशल कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं बिखर रहा है। उनको जब वो ग्रुप में होते हैं, जब बहुत सारे लोगों के बीच में होते हैं, फिर जब पार्टी हो या फिर एक कॉर्पोरेट कल्चर हो, तो उनको बहुत अच्छा महसूस होता है यू नो। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि कॉर्पोरेट कल्चर बिखर सा गया है यू नो, एंड अभी आप बड़ी बड़ी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, घर से ही आपको काम करना पड़ता है या फिर ऑफिस में अगर जाते हैं तो बहुत कम लोग ही ऑफिस जा पाते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये जो इनकी स्पेशलिटी है या फिर जो ये दरिया दिल है वगैरह, वो कहीं ना कहीं अटक के रह चुका है।
देखो अगर कोई दरिया दिल है तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं सबके सामने किसी को हेल्प करता हूँ या अकेले, लेकिन ये पर्सन है इनको सबके सामने किसी को हेल्प करना या अनाउंसमेंट करना काफ़ी अच्छा लगता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी हालत कैसी हुई होगी। सेकंड जो कार्ड है वो है डियर सुपीरियर सेंसेस टू डिटेक्ट द साइटेस्ट डेंजर जेंटल एंड काम। ठीक है, ये जो पर्सन है उसका है टॉरस एरिस कैप्रिकॉर्न सैजिटेरियस लियो वर्गो पाइसेस। ठीक है, ये पर्सन जो है ये इनके पास सेंसेस बहुत पावरफुल है, मतलब किसी भी चीज़ के बारे में अंदाज बहुत अच्छा लगा सकते हैं, फिर चाहे वो शेयर मार्केट हो या फिर कुछ और हो कि भाई मुझे विद इन अ मोमेंट क्या करना चाहिए। ठीक है, तो जैसे वो करते हैं वैसे ही उनकी ज़िंदगी जो है वो बदल जाती है। कहीं ना कहीं ये बात उनके लिए बहुत ही पावरफुल है एंड शायद यही बात आप दोनों को भी बहुत ही स्पेशल बनाती है। इनके सेंसेस काफ़ी बढ़िया हैं तो इसकी वजह से शायद वो अगर उनको लग रहा है कि भाई किसी जॉब में प्रॉब्लम आ रही है, फिर कोई जो जॉब है वो अगर परेशानी वाला हो सकता है या तो क्या उसके लिए उनको क्या करना चाहिए, कोई भी डिसीजन वो फिर सोच समझ के ले सकते हैं जो शायद आपके लिए अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। और जो थर्ड कार्ड है वो है फॉक्स क्यूरियस फ्रेंडली एंड प्लेफुल। अगर आपको लग भी रहा है कि शायद कोई आपके साथ धोखा कर रहा है तो ऐसा नहीं है, वो क्यूरियस है। मे बी वो उनको चाहिए जानना चाहिए कि भाई क्या है आपके दिल में, मतलब क्या ऐसी कोई बात है जो आप उनसे कह नहीं पा रहे हैं या फिर एग्जैक्टली आप उनसे क्या चाहते हैं। तो ये क्यूरियस है फ्रेंडली एंड प्लेफुल है, आपको हेल्प करते हैं एंड आपकी तरह बाकी लोगों का भी हेल्प करते हैं। तो उनके बारे में कोई गलत सलाह मत मानिए दिल में, ये एक काफ़ी अच्छे पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, ये हो गया दी एनिमल ओरैकल। ठीक है, अब देखते हैं फाइनल जो कि है ओरैकल। ठीक है, उसमें से हमें चार या छः कार्ड चुनने हैं, देखते हैं फिर रीडिंग कैसे आती है। 1 ठीक है, 2 ओके, 3 4 5 6। चलो 6 कार्ड मैंने चुन लिए हैं, देखते हैं अब रीडिंग क्या आती है। ओके, तो चलो फर्स्ट जो कार्ड है वो है लूजिंग होप। देखो इस पर्सन के दिलो दिमाग में जो पहली बात हो रही है, अगर हो सकता है कैंसर टॉरस पाइसिस, कि अपनी होप लूज़ कर रहा है। देखो ज़िंदगी में चीज़ें होने का एक मुकाम होता है, एक समय होता है। अगर आप उस समय वो चीज़ करते हैं, जैसे कि अगर आपको साइकिलिंग सीखनी है या फिर आपको स्विमिंग सीखना है, तो एक एज होता है जहाँ पर आप बहुत ही आसानी से वो चीज़ें कर जाते हैं। अगर यही चीज़ आपको लाइफ के बहुत एक टेडियस इफेक्ट में अगर करना पड़े तो आपकी हालत पतली हो सकती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लूजिंग होप इसलिए आ रही है कि शायद जो अभी के हालात हैं, मे बी फिनेंशियल ट्रबल आ रहा है किसी की, आई थिंक हेल्थ इशू हो सकते हैं, इनफैक्ट किसी के घर में अगर हेल्थ इशू है तो भी किसी की रिलेशनशिप टूट भी सकती है। तो कहीं ना कहीं ये अगर इनके साथ हो रहा है तो ये अपनी होप लूज़ कर रहे हैं। सेकेंड जो कार्ड है वो इमोशनल, तो काफ़ी इमोशनल बनते जा रहे हैं, हालांकि पहले नहीं थे लेकिन अभी काफ़ी इमोशनल बन रहे हैं। देखो कुछ लोग जो होते हैं वो सिर्फ किसी के साथ ही अपना दिल शेयर करते हैं, तो मान लीजिए कोई दोस्त या फिर हाल ही में कोई दोस्त बना, लेकिन अगर उनको लगता है कि भाई ये इनको समझता है या इनको रिप्रेजेंट करता है तो इनसे ये खुल के बात कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है ट्रैवलिंग, तो ये पर्सन अपने सिचुएशन से दूर जाना चाहते हैं या फिर इनको निजात चाहिए कि भाई फाइनली जो सब प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है वो ख़त्म हो रही है। देखो ये भी एक बहुत ही बड़ी बात है, लेकिन ये कब होगा एंड कब सबको निजात मिलेगी ये हमें नहीं पता। नेक्स्ट कार्ड है वो है डेथ। डेथ कार्ड यहाँ पे इसलिए आ चुका है कि ये पर्सन जो है वो शायद थोड़ा सा घबरा रहा है एंड चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। देखो वर्क फ्रॉम होम का कल्चर चालू है एंड कई लोगों ने अपनी जॉब भी लूज़ की है। अब ऐसे हालत में नई जॉब कैसे ढूंढनी है एंड इंटरव्यू कैसे कंडक्ट होगा, आपको कौन सी जॉब मिलेगी, सैलरी कितनी होगी, देखो बहुत सारे अजीब अजीब क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन आपको बदलाव से गुजरना है तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हर एक के लिए बदलाव आसान नहीं होते हैं, किसी के लिए बदलाव आसान होते हैं किसी के लिए नहीं होते, तो आपको बस इन बदलावों से गुजरना है, ज़्यादा सोचना नहीं है। नेक्स्ट कार्ड है वो है बॉन्ड, तो आई थिंक आपके साथ का जो बॉन्ड है वो काफ़ी मिस कर रहे हैं, आपको भी काफ़ी मिस कर रहे हैं और ये प्यार उनके जुबान पर है। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है टूर, तो मे बी आपको लेके कहीं घूमने जाना चाहते हैं ताकि आप दोनों की लाइफ के ऊपर जो स्ट्रेस आ गया है वो कहीं ना कहीं दूर हो जाए। देखो आपको एक बेहतरीन ज़िंदगी देना तो चाहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो इनके खुद के हाथ में नहीं हैं, है ना, तो ऐसे में वो क्या करेंगे। देखो वाइज डिसीजन अगर आप लेते हैं तो ज़िंदगी काफ़ी अच्छी हो सकती है। ओके, तो अगर आप सही डिसीजन सही मोमेंटम में लेते हैं, चाहे कोई कितना भी कहे, तो आपकी ज़िंदगी कल जाके बहुत ही अच्छी बन सकती है। विद रीडिंग आई होप इट कुड रेजोनेट। थैंक यू, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, मीटिंग जरूर।